हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। देश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटे में 3,68,147 नए कोरोना केस मिले हैं। एक दिन में 3,417 मरीजों ने जान गंवाई। प्रदेश में जारी है कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में 13,322 नए मरीज मिले, साथ ही गुरुग्राम में 3,609, फरीदाबाद में 1,755 नए केस मिले। इसके साथ ही सोनीपत में 934, हिसार में 879 नए केस मिले हैं, पानीपत में 794, करनाल में 773 नए मामले मिले। उधर चिरसा में 638, महेंद्रगढ़ में 583 नए केस और रोहतक में 525, भिवानी में 428 नए मामले मिले। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 7 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया। सीएम मनोहर लाल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लगाया था, जिसे पूरे प्रदेश के लिए 9 मई तक बढ़ा दिया गया। प्रदेश के गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लोगों से लॉकडाउन के दौरान घर पर रहते हुए सुरक्षित रहने की अपील की। अनिल विज ने स्पष्ट किया कि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया, जिससे मजबूर होकर लॉकडाउन लगाना पड़ा। विज ने बताया कि हमने कई प्रयास किए, लेकिन फिर भी नियमों की पालना नहीं हुई, जिसके कारण कोरोना के 1,00,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस हो गए। साथ ही रोजाना करीब 15,000 नए मरीज भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना को मात देने के लिए इसके चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। हरियाणा में आज 7 दिनों का लॉकडाउन है। उकलाना में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा आने जाने वाले वाहनों की गहनता से जांच की जा रही है। साथ ही उकलाना के बाजार भी जरूरी दुकानों को छोड़कर बंद नजर आए। इलाके में पीसीआर की गाड़ी सड़कों पर गश्त करती नजर आई। इसके साथ ही बिना वजह के घरों से बाहर घूमने वाले लोगों का पुलिसकर्मियों द्वारा चालान भी किया गया। हरियाणा में लगे लॉकडाउन का आम जनता से पालन कराने को लेकर जींद शहर पुलिस सड़कों पर दिखाई दी, जिसे लेकर लोग भी एहतियात करते नजर आए। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 7 दिन का लॉकडाउन लगाया गया। वहीं यमुनानगर में लॉकडाउन का असर देखने को मिला। यमुनानगर के डीसी मुकुल कुमार ने इस दौरान लॉकडाउन में क्या गाइडलाइंस है उसकी जानकारी देते हुए कहा कि खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानें, फल सब्जी डेयरी केमिस्ट किराना की दुकानें खोलेंगी, ढाबे रेस्टोरेंट केवल होम डिलीवरी दे पाएंगे। रेवाड़ी में लॉकडाउन असर बिल्कुल नहीं देखने को मिला, यहां लोगों की आवाजाही दिखाई दी, यहां की सड़कों पर वाहन दौड़ते दिखाई दिए। कोरोना मरीजों में लगातार हो रही वृद्धि से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। 18 साल से 44 साल के बीच उम्र के लोगों को वैक्सीन का टीका भी लगाया जा रहा है। रेवाड़ी में लॉकडाउन का असर बिल्कुल भी नहीं दिखा, यहां लोगों की आवाजाही दिखाई दी, सड़कों पर वाहन दौड़ रहे थे। जाखल में 18 साल से 44 साल के बीच के उम्र के लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्र जाखल में भी लोगों ने उत्साह के साथ वैक्सीन का टीका लगवाया। नोडल अधिकारी राजेश क्रांति ने बताया कि जाखल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन की पूरी व्यवस्था की हुई है। जाखल मंडी और जाखल गांव में सेंटर बनाया गया। टीकाकरण करवाने आए युवा राहुल गर्ग ने आमजन से आह्वान किया कि हर युवा टीकाकरण अवश्य करवाए और इस बीमारी से अपना बचाव करे। कोरोना के इलाज के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति, मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती करने की नीति और टीकाकरण अभियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत आदेश जारी किया। उधर कोरोना के समय 13 विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान जारी कर पीएम मोदी से मांग की कि देश की जनता का फ्री वैक्सीनेशन हो। 13 पार्टियों के नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा कि देश में कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच जल्द से जल्द देश की जनता का वैक्सीनेशन किया जाए। कल देर शाम किसान नेता गुरनाम चडूनी अचानक शंभू टोल प्लाजा पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को संबोधित किया, बैठक भी की।
चढ़ूनी ने टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे किसानों का हौसला बढ़ाया। चढ़ूनी ने पश्चिम बंगाल में हुई बीजेपी की हार पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि किसानों के विरोध के चलते बीजेपी की हार हुई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के हारने पर जाखल किसान संघर्ष समिति ब्लॉक जाखल के किसानों ने गांव तलवाड़ा में मिठाई बांटी, पटाखे बजाकर खुशी मनाई। किसानों ने जाखल कुला रोड पर किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, आगामी चुनावों में भी भाजपा के खिलाफ प्रचार करने की बात कही। वाहना नागरिक अस्पताल में काम करने वाली 239 आशा वर्करों को सरकार की तरफ से नए स्मार्ट मोबाइल फोन दिए गए हैं, अब आशा वर्कर बेहतर ढंग से अपना कार्य कर सकेंगी। इसका फायदा लोगों को भी होगा, स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न योजनाएं ऑनलाइन की हुई हैं। विभाग ने आशा वर्करों को सिम दिया हुआ है, लेकिन मोबाइल नहीं होने के कारण परेशानी होती थी। स्वास्थ्य विभाग में आशा वर्करों को नए फोन दिए हैं, गोहाना क्षेत्र में करीब 239 फोन दिए गए। गोहाना नागरिक अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर करमवीर ने बताया कि जमीनी स्तर पर योजनाओं को लागू करने में आशा वर्कर अहम भूमिका निभाती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी पर टीएमसी की जीत के बाद किसानों में खासा जोश और उत्साह दिखा, ढांसा बॉर्डर धरने पर किसान जमकर थिरके। किसानों ने इसे पूरे देश के किसानों की बड़ी जीत करार दिया। किसानों ने कहा कि बीजेपी ने बंगाल में हर तरीके से जीतने के लिए षड्यंत्र रचा, लेकिन कुछ काम नहीं आया। किसानों ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता और किसानों ने महसूस किया है कि दिल्ली के चारों तरफ से जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांग जायज है। सीएम मनोहर लाल ने कोरोना को लेकर कई जिलों का दौरा किया, इसी के तहत रविवार को सीएम कुरुक्षेत्र के सर्किट हाउस पहुंचे। दिल्ली से हरियाणा आ रहे मरीजों के बारे में सीएम ने कहा कि हर पीड़ित प्रयास करता है क्योंकि उसे हर संभव अच्छा से अच्छा इलाज चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण कम सीरियस लोग घर पर आइसोलेशन पर रहे, ज्यादा सीरियस लोग जिन्हें ऑक्सीजन का लेवल जिनका कम हो गया वो अस्पताल में भर्ती हो। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट से ऑक्सीजन भेजी जा रही है, एक खेप आ चुकी है, दूसरी खेप जल्द आ जाएगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने झज्जर की अनाज मंडी का दौरा किया, जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आढ़तियों से उनकी समस्याएं जानी। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पहली बार इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ खरीद हो रही है और अब तक 83 लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर थोड़ी बहुत कहीं व्यवस्थाओं की कमी है तो उसे दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन किसानों की पेमेंट रुकी हुई है उनमें से भी 2/3 किसानों को ब्याज समेत पैसा पहुंचना शुरू हो चुका है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर पूरे हरियाणा प्रदेश में एक सप्ताह के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। लॉकडाउन के चलते अनाज मंडियों में गेहूं खरीद प्रक्रिया को भी रोक दिया गया, जिसके चलते किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अनाज मंडी में मौजूद किसानों से जब हमने बात की तो किसानों ने कहा कि अभी तक उनकी पिछली गेहूं की पेमेंट ही उनके खातों में नहीं आई, जिसके चलते उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब सरकार ने एक सप्ताह के लिए मंडियों को बंद कर दिया, ऐसे में वो अनाज को लेकर कहां जाएं? कृषि मंत्री जेपी दलाल चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल के दौरे पर भी पहुंचे और जायजा लिया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत और अस्पताल प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन कोविड नियंत्रण के लिए रामबाण है, इसलिए भिवानी और दादरी जिले में रोज वैक्सीनेशन की क्षमता बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर लोगों को किसी भी तरह की भ्रांतियों में विश्वास नहीं करना चाहिए। फरीदाबाद के सेक्टर 3 में जच्चा बच्चा स्वास्थ्य केंद्र में 18 साल से ऊपर के युवाओं को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के अभियान की शुरुआत हो गई। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री और डॉक्टरों की मौजूदगी में पहली डोज सेक्टर 8 निवासी निष्ठा को दी गई।
इस दौरान डॉक्टर शशि गांधी, डॉक्टर महेंद्र के अलावा नर्स गरिमा मौजूद रही। कैंप के शुभारंभ पर कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा कि 18 प्लस को बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन का हिस्सा बनना चाहिए। मूलचंद शर्मा ने कहा कि देश प्रदेश की सरकारें लगातार कोशिश कर रही है कि बीमार व्यक्तियों की जरूरत की ऑक्सीजन और दवाएं जल्द से जल्द पहुंचे, उनकी आपूर्ति हो। गोवा में खेल मंत्री संदीप सिंह ने सरकारी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे कोविड टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया, लोगों का हालचाल जाना। खेल मंत्री संदीप सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सरकार ने 18 साल से ऊपर की आयु के लोगों का टीकाकरण शुरू कर दिया है। उन्होंने डॉक्टरों से कोविड वैक्सीनेशन केंद्र की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके अलावा राज्य मंत्रियों ने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। मैम पुलिस थाना प्रभारी कुलदीप सिंह के नेतृत्व में मैम बाजार में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि लोगों को समझाकर सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाने को लेकर नियमों के बारे में बताने के लिए लगातार पुलिस मुस्तैद है। रादौर के सरकारी अस्पताल में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ। एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि वैक्सीन के प्रति बेहतर रुझान के चलते सभी सेंटर की क्षमता फुल है। टीकाकरण के बाद पत्रकारों से बातचीत में युवाओं ने वैक्सीनेशन कराने के लिए सभी को प्रेरित किया। सिरसा में भी वैक्सीनेशन अभियान के तहत 18 प्लस को टीका लगना शुरू हो गया। रविवार सुबह से ही नागरिक अस्पताल में वैक्सीनेशन वार्ड में 18 साल के ऊपर के लोगों की लंबी लंबी लाइनें दिखाई दी। सभी ने सुरक्षा से कोरोना वैक्सीन लगवाई। इस मौके पर युवाओं का कहना है कि वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए, क्योंकि इससे आप अपना, खुद का और दूसरों का बचाव कर सकते हैं। चरकेदादरी में रविवार से 18 से 45 साल तक के युवाओं को कोरोना वायरस से बचाव का पहला टीकाकरण लगाया जा रहा है। 700 लोगों ने टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। प्रदेश में 18 से 45 वर्ष तक के लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। कैथल में भी युवाओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर सरकारी अस्पताल में पहुंचकर टीकाकरण करवाया। कुछ युवाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने मोबाइल ऐप के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, उसके डिजिटल रसीद लेकर सरकारी अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने बताया कि कैथल में जनता कर्फ्यू के दौरान पुलिस वालों ने उन्हें रोका, लेकिन जब उन्होंने जब इसका कारण बताया तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं आई। अस्पताल में 5 से 6 मिनट में उनका टीकाकरण हो गया। उन्होंने संदेश दिया कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। हरियाणा में सोनीपत में रविवार यानी 2 मई से 18 साल से ज्यादा के उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई। युवाओं में वैक्सीनेशन को लेकर खासा उत्साह दिखा। सरकारी अस्पताल में जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर नीरज यादव ने कहा कि सोनीपत जिला के 26 वैक्सीनेशन सेंटर में टीकाकरण शुरू हुआ। लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था। 4000 लोगों का वैक्सीनेशन कराने का मौका लोगों को दिया गया था। और भिवानी में आज से 18 प्लस को टीकाकरण शुरू हुआ। 150 लोगों ने रविवार के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था। रविवार को कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए दूसरा टीका लगवाया। जेपी दलाल ने बताया कि हम हॉस्पिटल में किसी प्रकार की कमी ना रहे, इसके लिए टीम बनाकर देखरेख करेंगे। ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी उन्होंने कहा कि बेड और ऑक्सीजन की कमी जरा भी नहीं होने दी जाएगी। फतेहाबाद में 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन जारी है। भारी संख्या में युवा टीका लगवाने पहुंचे। हालांकि पोर्टल से संबंधित तकनीकी समस्या आने के कारण लोग थोड़े परेशान जरूर हुए,
4 जगहों पर वैक्सीनेशन हुआ। सिरसा में ऑक्सीजन की स्थिति में सुधार हुआ है, बता दें कि यहां 2 दिन से ऑक्सीजन की किल्लत महसूस हो रही थी। वरिष्ठ औषधि नियंत्रक और नागरिक अस्पताल के डॉक्टर खुद गैस एजेंसी पर बैठकर ऑक्सीजन सिलेंडर का वितरण करवा रहे हैं। ऑक्सीजन एजेंसी संचालक का कहना है कि रविवार को भीड़ भी कम हुई है। सिरसा के लिए सरकार ने ऑक्सीजन का कोटा 2 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 7.5 मीट्रिक टन कर दिया। बढ़े हुए कोटा की ऑक्सीजन भी जल्द सिरसा पहुंच जाएगी। सुमित गैस एजेंसी के संचालक अनिल बांगा ने बताया कि 2 दिन पहले ऑक्सीजन की कमी और मांग बढ़ने से कुछ दिक्कत हुई थी, लेकिन बढ़ाए गए कोटे की ऑक्सीजन मिलने के बाद काफी राहत मिलेगी। कैथल में प्रशासन ने जनता की मांग पर जनता कर्फ्यू लगाया, जिसकी वजह से पूरे शहर में दुकानें बाजार बंद रहे। बिना वजह लोग भी घरों से बाहर नहीं निकल रहे। इस दौरान किसी भी प्रकार के आवागमन पर पूर्णतः प्रतिबंध है। अगर किसी व्यक्ति को आपातकालीन स्थिति में कहीं आवागमन करना है तो उसके लिए प्रशासन से अनुमति जरूरी है। जनता कर्फ्यू के दौरान सुबह 6 से 10 और शाम को 4 से 6 दूध की सप्लाई की जा सकती है। पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, क्लिनिक, सरकारी अधिकारियों, मीडिया को छूट है। इसके अलावा सभी दुकानें बंद रहेंगी। सब्जी मंडी, फल रेहड़ियां भी बंद। खुद कैथल के एसपी और डीएसपी जनता कर्फ्यू का जायजा ले रहे हैं। लोग घर में रहें या अपील कर रहे हैं। रेवाड़ी में प्रशासन की तरफ से गठित की गई ऑडिट टीम ने निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ी खामी पाई। जिले के 4 बड़े निजी अस्पतालों ने खुद के अस्पतालों में वेंटिलेटर, आईसीयू और ऑक्सीजन के बेड फुल दिखा दिए। निरीक्षण टीम ने जब जांच की तो खामी पाई। ऑडिट टीम ने यह पकड़ा कि गलत रिपोर्ट सौंपी गई थी, जिस पर डीसी ने सख्त एक्शन लिया। 24 घंटे के भीतर कारण बताओ नोटिस थमाकर जवाब मांगा है। रेवाड़ी के शमशान घाटों में कोरोना मरीज के शव लगातार पहुंच रहे हैं। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि शहर में 3 शमशान घाट हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं। कर्मचारी कह रहे हैं कि एक शव का दाह संस्कार करके हटते हैं कि दूसरा शव आ जाता है। सुबह 6 बजे आते हैं, शाम 8 बजे घर लौट पाते हैं। सफाई कर्मचारियों की माने तो 3 शमशान हैं जहां दाह संस्कार कोरोना मरीजों का हो रहा है। 4-4 सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगी। कोरोना काल में सुर्खियों में रहने वाले विराट हॉस्पिटल पर मां की मौत के बाद एक बेटे ने गंभीर आरोप लगाए। सोलराही में अपनी मां का अंतिम संस्कार करते समय एक बेटे का दर्द छलक उठा। बेटे ने कहा कि उसकी मां की तबीयत खराब होने के बाद विराट हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। विराट हॉस्पिटल में उसकी मां 12 दिन दाखिल रही। अस्पताल ने 9 दिनों में 1,50,000 रुपए वसूले और अगले 3 दिनों में 1.5 लाख रुपए और वसूल लिए। इस तरह 3 लाख से अधिक की राशि वसूल ली। यही नहीं, उन्होंने अस्पताल पर रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य इंजेक्शन के लिए उनके साथ ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। कैथल के डोगरा गेट पर एक ट्रक चालक ने एक महिला को ट्रक के नीचे कुचल दिया। जानकारी के मुताबिक ट्रक चालक प्रताप गेट से डोगरा गेट की तरफ जा रहा था कि मोड़ पर एक महिला ट्रक के नीचे आ गिरी। महिला की गर्दन बुरी तरह कुचल गई, मौके पर ही मौत हो गई। खबर मिली तो डीएसपी दिलीप सिंह पहुंचे, शव को पोस्टमार्टम के लिए कैथल के नागरिक अस्पताल भिजवाया। डीएसपी दिलीप सिंह ने बताया कि इस दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। महिला के शव की शिनाख्त की जा रही है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है। सुपरफास्ट 100 में इतना ही। नमस्कार।